जो मतलब कैसे मतलब सडनली ये चीज आई कि आप पहले से प्लानिंग थी, ऐसा कि कैसे हुआ ये? मेरा प्लानिंग तो पहले पहले से नहीं था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था किस प्लेस में जाऊँगी, मैंने वैसे कहाँ पे होंगे करके। जब डांस की तो मेरे पेज जस्ट एक सामने बैठे थे, तो मेरे को दिखा और वो मौका मेरे को बहुत ही बड़ा लगा। इस कारण डर नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी थी, जैसे आपने जंप लगाया सिक्योरिटी के लोग खड़े हो गए, सब हक्के बक्के रह गए उस समय। नहीं, दिमाग में तो आता है डर, लेकिन मेरा लक्ष्य एक्साइटमेंट था, लक्ष्य दिखा था कि भूपेश जी को देना है, गुलाब देना है। तो ये मतलब देखकर आपने कहा कि चाचा नेहरू जी को भी गुलाब पसंद है और आप भूपेश काका भी है, मतलब इसी तरह से आपने उन्हें गुलाब दिया है काका के स्वरूप। तो ये चीज मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ से आए हैं और कौन सा डांस परफॉर्म कर रहे थे आप लोग? हम लोग जिला कबीरधाम से आए हैं। बाल दिवस के मौके पर शिक्षा विभाग द्वारा राजधानी के दीनदयाल ऑडिटोरियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रदेश भर के बच्चे यहाँ पर जुटे हुए थे और जिस तरह से यहाँ पर आयोजन हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक क्षण ऐसा आया जहाँ पर सभी के सभी लोग जो वहाँ मौजूद थे सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि कारण था कि एक बच्ची जो है उन्होंने सीधा स्टेज से जंप लगाया। क्या कारण था पूरा, यहाँ से बच्ची से बात करेंगे। कवर्धा से आई है, सबसे पहले आप कवर्धा से आए हैं, किस तरह से जो डांस किया आपने, आप एकाएक स्टेज से नीचे उतर गए और सीएम से मुलाकात की, क्या कारण था? मेरा कारण यह था कि चाचा नेहरू जी जो है ना, उनको गुलाब बहुत ही पसंद है। तो चाचा नेहरू जी तो अब हमारे साथ नहीं रहे, तो उनको गुलाब तो मैं दे नहीं सकती, लेकिन हमारे माननीय श्री जो भूपेश बघेल जी हैं वो तो हमारे सामने हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी रीजन है उनके कारण मैं तो उनको गुलाब नहीं दे सकती थी। इस कारण जब डांस स्टेज से चढ़ी तो मैं डांस की, तो मेरे को बहुत बड़ा मौका मिला, इस कारण मैं वहाँ सीधा स्टेज से कूद गई, उनको गुलाब दे दी।